अलैकुम डियर क्लास एट स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आज हम स्विक्स का लेसन नंबर थ्री पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट प्यारे बच्चों पहले हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट होती क्या है तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं वट इज अ पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी यानी सुप्रीम लैजस्लेटिव बॉडी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की यानी यहाँ पर जो भी कानून जो भी लैजिस्लेशन्स यानी कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही बनाए जाते हैं पूरे मुल्क के लिए ये बाय कैमरा लेजिस्चर है यानी इसके दो हाउसेज हैं और पार्लियामेंट जो है इंडिया की इसके तीन ऑर्गन्स हैं पहला ऑर्गन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इसके दो हाउसेस भी हैं राज्यसभा और लोकसभा यानी तीन ऑर्गन्स क्या हैं प्यारे बच्चों हमारे पार्लियामेंट के एक है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा एंड लोकसभा इसे वॉइस ऑफ द पीपल पार्लियामेंट को वॉइस ऑफ द पीपल भी कहते हैं यहाँ पर लोगों की आवाज उठाई जाती है सुनी जाती है अब सवाल ये उठता है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट पार्लियामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है एक सिंबल है इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है इंडिया का इंडियन डेमोक्रेसी का और जो कानून है लॉज हैं कंट्री के लिए वो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के जरिए बनाए जाते हैं और ये अनेबल करता है इन्हें पावर देता है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट बनाने में गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है दूसरा क्वेश्चन है वाई शुड वाई शुड पीपल डिसाइड देयर रिप्रेजेंटेटिव लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की क्यों ज़रूरत है इनको क्यों क्या ज़रूरत है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की यहाँ के लोगों को इंडिया के लोगों को प्यारे बच्चों जैसा कि आप हम जानते हैं कि इंडिया आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट बना 15 अगस्त उन्नीस को ये एक बहुत ही बड़ी और लंबी लड़ाई थी जो ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ी गई और सोसाइटी के हर एक मेंबर ने पार्टिसिपेट किया इसमें लोग जो इंडिया के थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बहुत ज़्यादा डर और खौफ में जी रहे थे कोई भी डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती कोई भी फैसला कोई भी पॉलिसी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती अगर वो लोगों के खिलाफ ही होती वो पॉलिसी वो प्रोग्राम वो डिसीजन अगर लोग उसके साथ एग्री भी नहीं करते होते फिर भी यहाँ के लोग इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो फियर में जी रहे थे डर में जी रहे थे और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसने सभी को सभी अटल्ट को वोट डालने का हक नहीं दिया था कुछ ही लोग जो सोसाइटी में बड़े ही रिच पीपल थे बहुत ज़्यादा लिटरे ज़्यादा उनकी लिटरेसी अच्छी खासी थी जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे वही वो वोट डाल सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में और बाकी लोग जो है वो पार्टिसपेट नहीं कर पा रहे थे डिसीजन मेकिंग में या जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई भी हिस्सा नहीं ले पा रही थी यहाँ की जो पब्लिक है इंडिया की लेकिन जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ इंडिया को आज़ादी मिली तो जब ये कंट्री हमारी आज़ाद हो गई तो सभी अडल्ट सिटीजन जो थे यहाँ के जो भी बालिक शख्स था या यहाँ की जो भी अडल्ट फीमेल्स थी हमारे इस मुल्क की इनको राइट टू वोट दिया गया हक़ दिया गया वोट डालने जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं ये हक दिया गया सभी लोगों को ये डिसीजन है लोगों का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाती हैं जब लोग डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं तभी क्रिएट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी बनती है तभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब लोगों को ये हक मिले कि वो फैसला ले सकते हैं खुद और डिसाइड कर सकें इस डेमोक्रेटिक की फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चलेगी इसमें भी अगर लोगों को हक दिया जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग भी जो है ये मुमकिन हो सकती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है शहर स्टीजन जो उस कंट्री में रहता है स्टीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे रूल ऑफ पार्लियामेंट द रूल ऑफ़ द पार्लियामेंट अब हमने पार्लियामेंट का जान लिया पार्लियामेंट का काम क्या है पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है उसके फंक्शन क्या है अब हम ये पढ़ते हैं द रूल ऑफ द पार्लियामेंट सिटीजन जो हैं जो हिंदुस्तान के शहरी हैं वो अप्रूवल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है जब यहाँ के शहरी वोट डालते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं लोग जो हैं इलेक्ट करते हैं यानी चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालकर अपने एम पी यानी मेंबर पार्लियामेंट्स को पार्लियामेंट के लिए फिर एक ग्रुप जो होता है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में उनको मेजॉरिटी मिलती है यानी उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसे बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से और यही फिर मेजॉरिटी जिनको मिलती है यही फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है इसमें हिस्सा लेते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं पार्लियामेंट जो है ये इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स से बनी होती हैं जिनको लोग वोट डालते हैं चुनते हैं और पार्लियामेंट में हो जाते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो मिलजुल कर कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को इन्हें गवर्नमेंट चलाते हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन चूज करते हैं ने चुनते हैं और यही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं अब इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं अगर हम ब्रॉडली देखें इंडियन पार्लियामेंट जो है बच्चों इसके तीन हिस्से हैं तीन ऑर्गन्स हैं मैंने पहले बोला ये इंडियन पार्लियामेंट के तीन हिस्से हैं ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पहला इसका ऑर्गन है पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया का प्रेसिडेंट। और इसके दो हाउसेस भी हैं लोकसभा एंड राज्यसभा तो ये है इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर इसके तीन ऑर्गन्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा एंड राज्यसभा पहले हम प्रेसिडेंट देख लेते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है पूरी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट यानी इसके मिनिस्टर्स पूरे मुल्क को चलाते हैं गवर्न करते हैं इनका काम है कि प्रेसिडेंट के नाम पर हुक्म दें कमांड दें गवर्नमेंट चलाएं डिसीजंस लें और पॉलिसीज बनाए लोगों की वेलफेयर के लिए जो ये प्रेसिडेंट होता है इसको कौन इलेक्ट करता है इसे इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने लोगों ने चुने चुनेटिव असेंबली की तरफ से जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं तो लोकसभा में जो हमने लोगों ने वोट डालकर चुने रिप्रेजेंटेटिव्स वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं और राज्यसभा के लिए मेंबर कौन चुनते हैं राज्यसभा के लिए स्टेट असेंबलीज जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं राज्यसभा के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और यही जाके आगे जाके प्रेजिडेंट को वोट करके एलेक्ट करते हैं और ये प्रेजिडेंट जो होता है जिसे लोकसभा ने चुन लिया राज्यसभा के मेंबर्स ने चुन लिया ये कितने साल तक रहेगा कुर्सी पर ये पंद्रह पाँच साल तक सॉरी पाँच साल तक ये कुर्सी पर रहता है प्रेसिडेंट रहता है उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं और नया प्रेसिडेंट बनता है अब हम नेक्स्ट हाउस को देख लेते हैं लोकसभा ठीक है बच्चों प्रेसिडेंट हमने देख लिया अब हम लोकसभा देखते हैं लोअर हाउस है ये पार्लियामेंट का इसे हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं और यहाँ पर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट इनका चुनाव होता है और इनको इलेक्ट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान के लोग इनको इलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो लोग जाएंगे चुन के चले जाएंगे लोकसभा में वो भी पाँच साल के पीरियड के लिए चुने जाते हैं इसके बाद नए इलेक्शन होते हैं हर पाँच साल के बाद लोकसभा की टोटल जो दाद है मेंबर्स की वो कितनी है बच्चों फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू मेबर्स पाँच सौ बावन मेम्बर हैं लोकसभा में और इसे हम हाउस ऑफ पीपल लोगों का हाउस भी कहते हैं हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हाउस है वो है राज्यसभा इसे हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा को कहा जाता है यहाँ पर मेंबर्स को लोग इलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पर जो मेंबर्स हैं हमारी स्टेट्स की लेजिस्टिव असम्बली होती हैं वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्टिव असम्बली के जो मेंबर्स लोगों ने चुने होते हैं वही अपनी अपनी स्टेट्स के मेंबर्स को चुन के भेजते हैं राज्यसभा में और ये जो है छ साल तक के पीरियड के लिए राज्यसभा में बने रहते हैं छः साल तक की मुद्दत तक पीरियड तक छः साल तक राज्यसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर रहते हैं और छः साल जैसे ही होंगे तो फिर नए इलेक्शन छः साल के बाद राज्यसभा के होते हैं राज्यसभा की टोटल जो मेंबर मेंबर्स हैं वो कितने हैं इसमें ढाई सौ मेम्बर्स हैं टू हंड्रेड फिफ्टी मेम्बर्स होते हैं राज्यसभा इसे हम राज्यसभा को हम हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ स्टेट्स अपर हाउस भी कहते हैं इसे हाउस ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं प्यारे बच्चों पार्लियामेंट जो है जब ये सेशन में होती है यानी जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो पार्लियामेंट में सबसे पहला काम क्वेश्चन आवर से शुरू होता है क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का काम इस क्वेश्चन आवर में इस क्वेश्चन आवर में मेंबर पार्लियामेंट एम जो हैं वो क्वेश्चन पूछती है गवर्नमेंट से इसकी वर्किंग के बारे में कि आप क्या का काम कर कर रहे हो आपने क्या क्या काम अभी तक किए हैं इसके लिए इंफॉर्मेशन मांगती है अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं जो अपोजिशन में बैठे होते हैं वो गवर्नमेंट से सवालत पूछते हैं तब इसका नाम क्वेश्चन आवर है तो क्वेश्चन आवर में सवाल पूछे जाते हैं मेम्बर पार्लियामेंट से जो पावर में होती है पा, पार्टी जो मेम्बर पार्लियामेंट पावर में होते हैं गवर्नमेंट में होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं अपोजन की तरफ से इन सवाल के पूछने से क्या फ़ायदा हासिल होता है इससे गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है कि उसकी खामियां कहां कहां पर है कहां कहां पर शॉर्ट कमिंग्स हैं खामियाँ कहाँ पर हैं और साथ ही साथ लोगों का ओपिनियन भी लोगों का जो नजरिया है लोगों की जो राय है ये भी इन एम तक मम्बर पार्लियामेंट्स तक पहुँचती है जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो अपोजिशन बैठी हैं इनका एक क्रिटिकल रोल है ये क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कभी कभी ये सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को हाँ तो अपोजन पार्टी जो क्रिटिकल रोल है इनका और ये हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि आपकी यहाँ यहाँ कमियाँ हैं यहाँ यहाँ खामियाँ हैं लोगों को ये मुश्किलात हैं इससे इनको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट को कि लोगों की राय क्या है हमारी पॉलिसीज़ में कमी कहाँ पर है हम कितना अच्छा कर रहे हैं हमारी गलतियाँ कहाँ पर हैं और क्या और ज़्यादा करने की ज़रूरत है ये गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टी से पता चलता है ठीक है प्यारे बच्चों तो इससे ड्रॉबैक्स जो, जो है मिस्टेक्स जो हैं वो पता चलती हैं अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसीज में क्या क्या खामियां हैं वो भी इनको पता चलती हैं तो गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं इस तरह से एक फ़ीडबैक मिलता है बहुत ही वैल्यूबल फ़ीडबैक मिलता है कीमती फ़ीडबैक मिलता है अपोजिशन की तरफ से लोगों का जो फीडबैक है उनको मिलता है इस तरह से प्यारे बच्चों पार्लियामेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल भी करता है गाइड यानी रहबरी भी करता है और इंफॉर्मेशन भी मिलती है पार्लियामेंट की ही वजह से गवर्नमेंट को तो ये था आज का टॉपिक प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला